Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV ऐप डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. आज हम सबको बोल रहे हैं कि यहाँ पर कपल थीम है और उसके बहाने सुहेल भाई मुबीन से उसका रियल लाइफ का काम करवा रहे हैं, पता है? सच बता रहा हूँ. इससे रियल लाइफ का काम करवा रहे हैं. मुबीन को फिर से अपना पुराना काम मिल गया है. अच्छा, तो वॉशरूम में काम मिल गया. सुनो, ठीक से फ्लश जरूर करना, ठीक है? अरे पगली, वो उसके चाचा का काम था. उसको कुछ बड़ा करना था, उसे इस शौच से आगे बढ़ना था. उसे फिर क्या, उसको बूट पॉलिश करने का काम मिल गया. प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जूते पॉलिश करके बड़े पैसे कमाए इसने. अच्छा। लेकिन आज यहाँ पर देखेंगे ये किसके जूते पॉलिश कर रहा है. सो प्लीज वेलकम मुबीन एज बूट पॉलिश वाला, सिद्धार्थ एज बॉयफ्रेंड एंड करिश्मा सबकी गर्लफ्रेंड. जोरदार तालियां. खबरदार जो किसी ने मुझ पर तरस खाया तो. पॉलिश 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 पॉलिश. इधर एक पॉलिश लड़की बैठी थी, कहाँ गई? वैसे अच्छा जी, पहचाना मुझे? मैं दुनिया का ऐसा आदमी हूँ जो किसी के फटे में हाथ डालता हूँ ना तो उसको मजा आ जाता है, क्योंकि मैं जूते सिलता हूँ. अच्छा. हाँ, पॉलिश भी करता हूँ. बड़े बड़े लोग आते मेरे पास पॉलिश करवाने के लिए. भाई साहब पॉलिश करवा लो, पॉलिश पॉलिश पॉलिश. जूता सिलवा लो भाई साहब. कितना फटा हुआ जूता, देखो अंगूठे के साथ उंगली भी बाहर आ गई आपकी. अच्छा, चप्पल पहनी. लेकिन भाई साहब आपका पैर आपके मुँह से कितना मिलता, जुड़वाए दोनों. लेकिन सच्ची बताऊं सोहेल भाई, ये बैनिस्टर में पॉलिश करता हूं मैं, और मैंने इस लाइन में बहुत पैसा कमाया, क्योंकि मैं हरकतें ऐसी करता हूं कि सामने वाला मुझे जूता फटे तक मारता है. फिर जब जूता फटता मेरी वजह से, सिलता भी मैं ही हूं. बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मेरे पास आते हैं जूता सिलवाने के लिए. अभी कुछ दिन पहले जीतू जी आए थे, मुझे कहते तागी 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 मेरे जूते पे पॉलिश कर दो ताकी. मैंने कहा भाई साहब सुनो, आप हीरो हो गए अपने घर पे, जूता सही जगह रखो ताकि मैं पॉलिश कर सकूं. भाई फिर उन्होंने सही जगह जूता रखा, आज भी यहाँ पे निशान है. और ये तो कुछ नहीं, बहुत बड़े कॉमेडियन, वो अननोन कॉमेडियन की दुनिया के बेताज बादशाह बलराज सहल भी एक बार मेरे पास आए थे. मेरे पास आए, मैंने उनका जूता पॉलिश किया, पता नहीं कि उन्होंने बहुत मारा. मैंने बोला भाई साहब क्यों मारा आपने? तो कहते हैं साले तुझे जूते में और मुंह में फर्क नजर नहीं आता, पूरा मुंह पॉलिश कर दिया मेरा. एक बार राजीव देवगन साहब मेरे पास आ गए, मुझे कहते आते ही अबे तो अपने लिए लूटा गैरो में कहा जब था. नहीं, वो जूता पॉलिश करवाने नहीं आए थे, वो खाली बताने आए थे ऐसे मिमिक्री क्या कर मेरी. मतलब पूरा बॉलीवुड आ गया, लेकिन वरुण धवन आज तक नहीं आए. पता है क्यों? मुझे उनकी मिमिक्री नहीं आती. ये देखो कैसी कैसी हरकतें करते, पत्थर तक काले पड़ गए यहाँ पे. कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? ये लो, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने बालकनी इसीलिए बनवाई कि सब देख सकें. फिर एक काम करता हूँ, मैं छुप जाता हूँ, कोई आएगा फिर हमला करूंगा. ए सुनने, जल्दी से वो काम करते जो हम इधर करने आए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब किताब करते हैं. देख ऑटो से आई, 22 रुपए तेरा हुआ ना, तो 11 मेरे को देने का. अभिलाष, आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड. अरे मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं, इसने मेरे से ब्रेकअप किया. मुझे खुशी इस बात की इसने इससे ब्रेकअप किया. इतना कमजोर आदमी है ना, एक बार सुसु जाता चार बोतल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है. अरे सुनने, हेलो. हाँ बोलना. सुनने जल्दी से वो काम करते, इससे पहले पुलिस है. अरे तुम पुलिस से इतना क्यों डरते हो? पुलिस से डर? अरे मारा मारी में ऐसा फंसाने में. वही जॉब तुम मारा मारी भी करते हो? नहीं, मारा मारी किसी और ने किया, तब मैं बीच में फंस गया. उसके बाद जो मेरा ढोकला ने फाफड़ा फाड़े ने. ये क्या, मेरे हाथ में थैला था वो फाड़े ने. ये बात कर. और उसके बाद पुलिस अलग से मारती. सोहेल भाई मैं ऐसे अंदर गया, मेरे को ऐसे पजामे में से नाला खींच लिया, ऊपर से इधर पट्टा मार रहे. अब मैं इज्जत बचाऊं कि चोट बचाऊं? गलत. मैं भी छोड़ो ना, कुछ प्यार की बातें करते हैं. ठीक है फिर 11 रुपए देने. क्या ये कौन सी प्यार की बातें? ये गुजराती का पहला प्यार उसका पैसा होता है. देखो ये बता, तुम मेरा से कितना प्यार करती हो गजोड़ा? जितना तुम मुझसे प्यार करते हो. अच्छा मेरे को धोखा दे रही तू भी? क्या पायल भाई, मेरे को ना भरोसा नहीं औरत पे. मेरे को तो फोन वाली लड़की भी कहती है ना, टेक ले सर फोड़वाता हूँ लेकिन राइट जाता हूँ. नहीं नहीं मानता.
चलना सुनना प्यार करते ना थोड़ा छोड़ना छोड़ इधर बैठना बैठने बैठने अरे ये तो आदत है मेरा तू उधर ही बैठ अच्छा सुनो ने मैं तेरे को अपने घर भी नहीं लेके जाऊंगा कभी मालूम है ए तेरे मुझे ना तेरे घर जाना भी नहीं है अर्चना जी मैं इसके पापा से मिलने गई कहते तुम इस घर की बहू बन ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारी पसंद ये है तो मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती की इन्हीं माँ ने छोड़ा ना दादी को गाली जा रही है सुन ने प्यार करते ना मेरी बात तो सुन प्यार करते ना काली पहाड़ी पुलिस ये पुलिस पुलिस सुन के जिस तरह से भागे मुझे समझ में आ गया समंदर की ठंडी ठंडी हवा खाने नहीं बल्कि गरम गरम भपका छोड़ने आए तुम लोग पॉलिश करवा लेने साफ करवा लो ना अकेले बैठने देना भाई मेरे को अकेले बैठना चलो अपन चलते हैं ए गधेड़ा सुनना हम दोनों को साथ में अकेले बैठने देने अरे तो मैं बैठ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा यार बाइक थोड़ी जो ट्रिपलिंग का चालान बन जाएगा देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी अभी पीछे पार्क में डंडे खा के आया ना फिर पुलिस को बोला रे पागल है भाई जाने जाने नहीं नहीं प्लीज प्लीज सुनो ना मेरे साथ पिक्चर देखने चलो ना बॉडीगार्ड को बुलाओ मैं अपने नहीं नहीं मेरे पास 500 है दो ही टिकट आएंगे बॉडीगार्ड कहाँ बैठेगा ए जाने भाई क्यों बोर कर रहे जाने अरे साहब पॉलिश करवा लो साहब बहुत गरीब आदमी नहीं करवाना यार पॉलिश नहीं करवाना अच्छा तो ये पॉपकॉर्न ले लो पॉपकॉर्न ये तो कच्चे है हाँ तो आप इतनी हॉट है हाथ में रखो ऐसे फूटेगा ये बात ठीक है तेरे से पंच फूटे ना फूटे कुछ तो फूटे देखो तुम हमें डिस्टर्ब मत करो हम यहाँ पर वो करने आए वो करने आए वो क्या अरे जो एक लड़का और लड़की करते हैं अच्छा राखी बंधवाने आई है साले राखी ऐसे कौन बांधता है अच्छा एक और हिंट देती हूँ हाँ। जो पति पत्नी करते हैं अच्छा इधर झगड़ा करने आए हैं तुम लोग भाई तेरे को एक बात बोलू हाँ। तो गैस से भी गंदा गैस करता है यार हम रोमांस करने आए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ साहब अभी ना 10 दिन तक आप यहाँ रोमांस नहीं कर सकते क्या यार मेरी बीवी मायके गई है फिर क्या होता है कि आप लोगों का रोमांस देख के फिर मेरा तो मूड खराब होता है ना निकल एक ही शर्त पे जाऊंगा नहीं तो मैं आपका रोमांस खराब कर दूंगा क्या? मुझे 500 रुपए दो तेरे को 500 देने अबे सुन तू 250 मेरे को दे मैं जाता हूँ क्या मुनाफा देख बेबी मुनाफा जाओ मैं ठीक है मैं इसके साथ जा रहा हूँ चलो चलो गोदड़ा गांडी इधर आ तूने ऐसे बात कहा बुरा मानती पागल तूने हाँ बुरा नहीं मानना चले क्या गंदा स्टेप करते हैं ए गंदा स्टेप नहीं होता डांस स्टेप होता है तेरे पे भरोसा तू जो करेगी गंदा करेगी ना अरे मैडम क्या डांस किया आप तो गिर गई मैं तो खड़ी हूँ नहीं मेरी नजरों में गिर गई ए भाई जाने यार तू क्यों इरिटेट कर रहा है भाई अरे साहब कुछ तो करवा लो साहब गरीब आदमी बहुत गरीब आदमी साहब क्या है तेरे पास ये पॉलिश करवा लो नहीं नहीं मेरे को कराना नहीं अच्छा मैडम आपकी सैंडल टूटने वाली थी आप सैंडल ठीक करवा लो बेबी ये तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है तुम चुपचाप खड़े हो ए गांडा मेरा सामने मेरे गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करता है ना खबरदार मेरा सामने बेइज्जती नहीं करना अभी कर तुम मुड़ क्यों गए अरे देखने उसके हाथ में हथौड़ा ऐसे नाक पे मारेगा बलराज जैसी शक्ल डेट करेगी मेरे को जी नहीं मैं संभालती हूँ हाँ ये संभालेगी जिससे कुछ नहीं संभालता वो संभालेगी जाओ ना यार अच्छा सैंडल तो सिलवा लो मैडम तुम कितना लोगे बताओ मैं 150 रुपए लूंगा 150 रुपए ए पागल 150 रुपए इतना महंगा मैं अपने चाचा का इस्तेमाल का पंप ले आऊं ऐसा मुंह से मुंह हवा तो नहीं देना पड़ेगा ना मेरे को जाने भाई जाने अरे यार मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ यार अरे भाई तुम इतना खुददार आदमी ऐसे कैसे बोल सकते हैं ना खुददार है तुम अच्छी सड़क देख के भीख मांगो ने नहीं, नहीं, मैं आदमी देख के भीख मांगता हूँ जो आदमी खुद इंटरव्यू में रो रहा है मेरी गाड़ी छीन ली मेरा घर छीन लिया इससे क्या भीख मांगूंगा मैं देखो इसके बारे में बकवास मत करो बहुत पैसा है अंबानी के पास इतना पैसा है तो साहब थोड़ा बहुत दे देना बहुत गरीब आदमी हूँ पता इतना गरीब आदमी हूँ मैं इतना गरीब आदमी हूँ कॉमेडी सर्कस में जितने गरीबी के पंच मारे जाते हैं ना मुझ पे ही मारे जाते हैं मान लीजिए मेरी ही जिंदगी है मेरी जिंदगी है क्या? अरे मेरी जिंदगी पर्सनल लाइफ है जिंदगी हाँ वो जिंदगी अरे साहब कुछ तो करवा लो यार अरे यार प्लीज प्लीज फोटो खींचेगा हमारे अच्छा फोटो खींच देता हूँ चलो फोटो खींच फोटो खींचो कितने फोटो के कितने लोगे ये तो आपकी मुद्राओं पर डिपेंड करता है तेरी माँ ने फाफड़ो देखो बकवास मत करो जाओ यार प्लीज अच्छा एक काम करो आप क्या ख्याल है ए भाई तू खाली ये क्यों ऐसा अमरूद देना खरीदूंगा क्या मैं तेरे काट के देने अरे भाई सुन मेरी बात मैं खाली चाकू खाता हूँ ना मेरे को एसिडिटी होता है और बेबी तुम जल्दी से तुम्हारे पास जो भी है उसको दे दो नहीं तो गोली मार देगा
ये देखो गोली मार देगा, कम से कम फ्रॉक देख के तो लाइन में चेंज कर लिया कर। फटाफट निकाल जो भी तेरा। जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी दे दो। ओए 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 निकाल फटाफट, मैं कहता हूँ फटाफट निकाल दे जो भी तेरे पास है। ओए ओए अगर तूने नहीं निकाला तो मैं तेरी गप गप मारूंगा। लेकिन आएगा छोड़ेगा क्या? ये मिमिक्री कर रहे थे। अरे इतनी मिमिक्री तो मैं सुबह सुबह निकाल देता हूँ। फटाफट निकालो मैं तो कहता हूँ। ओए ओए अरे भाई निकालना पड़ेगा तुम्हें, निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल भाई, मैं गुजराती है, मैं जो निकालता हूँ लेना। मैंने कहा माल निकाल, जो कुछ भी फटाफट मेरे हवाले कर दे। हाँ मैं दे। हवाले कर। लो भाई, पर जान जान जाने का किराया तो दो ना भाई, इधर कैसे खड़ा रहो। निकल इधर। चल। अरे अब। चला गया। ओह, क्या मुर्गा फंसाया है जानी मन तुमने? देखे तो क्या हाथ लगाए। ये क्या है? अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे राज किसी को ना बताऊं तो बैग में 5,000 डालकर टप्पू के पापा के पास पहुंचा देना। ओह माय गॉड, आज पता चला कि बच्चन साहब क्यों कहते हैं पूरे दिन तो गुजारियो गुजरात में। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।